अमेरिका और वेस्टइंडीज में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी कि T20 विश्व कप चल रहा है, जहां हर रोज एक के बाद एक उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। कल दो मुकाबले हुए और ऐसे हुए जिसमें दो ऐसी टीमों की हार हो गई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बांग्लादेश ने सांस रोक देने वाले मुकाबले में 2015 की चैंपियन श्रीलंका को करारी हार दी, तो अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को धराशायी कर दिया। ग्रुप टेबल में स्थिति ऐसी बन रही है कि बड़ी टीमें बाहर हो सकती हैं और छोटी टीमें सुपर एट में पहुंच सकती हैं। आज हम भारत पाकिस्तान के मैच पर भी चर्चा करेंगे, नाउज की पिच पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे उलटफेर की। लेकिन उससे पहले देखिए कल के मैच की यह रिपोर्ट। T20 में उलटफेर जारी, अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पर भारी, सांस रोक देने वाले मुकाबले में श्रीलंका की हार, बांग्लादेश सुपर एट के लिए तैयार। T20 विश्व कप में हर रोज उलटफेर हो रहा है। अफगानिस्तान की टीम अपने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अभियान का आगाज इतने धमाकेदार अंदाज में करेगी शायद ही किसी ने ऐसा सोचा हो। पहले मैच में युगांडा पर बड़ी जीत, अब न्यूजीलैंड पर। अफगानिस्तान ने इतिहास रचा क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट में पहली बार हराया। गयाना में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए। अब बारी न्यूजीलैंड की थी, लेकिन अफगान लड़ाकों ने पिच पर ऐसा खेल दिखाया कि कीवी टीम महज 75 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगान के घातक गेंदबाजी के आगे विलियमसन की सेना 15.2 ओवर्स में घुटने टेक गई। इस जीत के हीरो रहे रहमानुल्लाह गुरबाज, जिसने 56 बॉल में 80 रन की पारी खेली, टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया, शानदार शुरुआत दी और इब्राहिम जारदान के साथ 103 रन की साझेदारी की। इब्राहिम जारदान ने 41 गेंदों पर 44 रन बनाए, टीम को संभाला। फजल हक फारूकी, जिसने पारी की पहली ही बॉल पर फिन एलन का विकेट लिया, फारूकी ने हर ओवर में एक विकेट चटकाया, मतलब फारूकी ने 3.2 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए। राशिद खान, जिसने मिडिल ओवर में मैजिक किया, राशिद ने पावर प्ले के तुरंत बाद विकेट न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का लिया। 9वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल और मार्क चैपमैन के विकेट लेकर राशिद ने न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 13वें ओवर में उनका चौथा शिकार बने लॉकी फर्ग्यूसन रहे, मतलब राशिद ने अपने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती रही। विश्व कप इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को धराशायी किया। दूसरी तरफ अमेरिका के डलास स्टेडियम में ग्रुप डी के मुकाबले में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बांग्लादेश ने श्रीलंका को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन बनाए और बांग्लादेश को 125 रन का टारगेट दिया, जबकि जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 8 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। और यह पहली बार है जब श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हाथों हार झेलनी पड़ी है। बांग्लादेश की जीत के हीरो स्पिनर राशिद हुसैन रहे, 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान घातक गेंदबाजी कर रहे थे, 17 रन देकर 3 विकेट झटके। बांग्लादेश के जीत में तौहीद हृदयोग का अहम योगदान था, 20 बॉल में 200 के स्ट्राइक से 40 रन बनाए, वे टीम के टॉप स्कोरर भी रहे। वानिंदु हसरंगा की कप्तानी में श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट में 2 मैच हार चुकी है, अब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं बांग्लादेश ने इस जीत के साथ ही सुपर एट में क्वालिफाई करने के लिए मजबूत स्थिति में वो आ गई है। इस विश्व कप में जिस तरह से उलटफेर देखने को मिल रहा, इतना तो तय है कि इस बार सुपर एट में वो टीम्स भी देखने को मिल सकती हैं जिसके बारे में शायद आपने ना सोचा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये तो बात हो गई T20 में हो रहे बड़े उलटफेर की, अब बात 9 जून को होने वाले उस हाई वोल्टेज मैच की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होने वाली हैं। चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान, जब नासाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर भिड़ेंगे तो मैच का हाई वोल्टेज पारा रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है। लेकिन इन दिनों मैच से ज्यादा पिच की चर्चा है। पिच पर असमान उछाल देखने को मिल रहा है, कोई गेंद काफी ज्यादा उठ जाती है, कोई बहुत नीचे रह जाती है, खिलाड़ी घायल भी हो रहे हैं। ऐसे में पिच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानलेवा बनी नासाऊ की पिच, स्टेडियम की ड्रॉप इन पिच बनी टेंशन। पूर्व क्रिकेटर्स ने पिच पर उठाए सवाल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत हुए चोटिल। न्यूयॉर्क का नासाऊ क्रिकेट काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में पिच पर अनियमित उछाल देखने को मिला। इसके बाद इस पिच पर कई सवाल उठने लगे हैं।
आयरलैंड के खिलाफ भारत के दो खिलाड़ी चोटिल हो गए, पिच का हाल इतना बुरा है तो पाकिस्तान वाले मैच में क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को इसी पिच पर मैच खेला जाएगा। पिच पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल खड़े किए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और भारतीय दिग्गज इरफान पठान समेत कई दिग्गजों ने न्यूयॉर्क के पिच पर सवाल उठाए हैं। इन दिग्गजों ने कहा कि वर्ल्ड कप मैच कराने से पहले इस पर कुछ अभ्यास मैच क्यों नहीं खेले गए। इसी पिच पर आयरलैंड के खिलाफ जब भारत उतरा तो दो खिलाड़ी चोटिल हो गए। मैच के दौरान पिच की वजह से रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों को चोट लगी। ये पिच खिलाड़ियों के लिए जानलेवा हो गई है। क्यों परेशान कर रही है ये पिच समझिए। पिच पर रेत का ज्यादा इस्तेमाल, रेत की वजह से गेंद नहीं कर पा रही ट्रेवल, हवा में खेली गई गेंद इनफील्ड में रुक रही है, बल्लेबाजों को हो रही है परेशानी, आउटफील्ड भी काफी खराब, रेत की वजह से खिलाड़ी हुए चोटिल। अब इस पिच की वजह से T20 खेल का सारा मजा किरकिरा हो गया है। फैंस को चौके छक्कों की बरसात देखने के लिए मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी भी चोटिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं और ये नासाउ की क्रिकेट पिच जो है ये बड़ा हैरान करती रही है। अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये जानलेवा पिच बन रही है और रेत का इस पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ये T20 वर्ल्ड कप इस पर आयोजित किया गया। ठीक है, अमेरिका में तो पहली बार ये होने हुआ है और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें। अमृत आनंद हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे इस पिच के बारे में मिजाज समझते हैं कि नासाउ की पिच ये क्या कर रही है, खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी सी बात है कि आपको पहले कुछ और मैच करा लेने थे, उसके बाद शायद ये पिच की रिपोर्ट ढंग से सामने आती, लेकिन यहां पर तो अब खिलाड़ी चोटिल होने लगे। अमृत जी, पुनीत देखिए, ये शिकायत शुरुआत से ही है। टीम इंडिया जब प्रैक्टिस करने गई थी, जब पहुंची यूएसए, क्योंकि देखिए समझना हमें ये जरूरी है कि क्यों आईसीसी ने सेलेक्ट किया वेन्यू, क्या आईसीसी ने जल्दबाजी की, क्या थोड़ी सुरक्षा से माप जो दंड होते हैं पिच उसी पैमाने में बनाई गई है, क्योंकि पिच का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो आईसीसी के अंडर हुआ है। खबर ये थी कि ये पिच सारी बन के ऑस्ट्रेलिया से समुद्र के रास्ते लाई गई थी और पिच को लाकर से फिक्स किया गया है, लेकिन जो रोहित शर्मा है वो पहले दिन से ही पिच को लेकर कह रहे हैं कि पिच अनइवन है, यानी किसी स्पॉट से गेंद बहुत तेज जा रही है, कभी उछाल जगह मिल रहा है, कभी गेंद नीचे रह जा रही है। और आप स्कोर देखिए, जो स्कोर बन रहे हैं, यानी आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इंडिया का प्रैक्टिस मैच हम छोड़ दें जहां टीम इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके बाद यहाँ चैलेंजेस है, यानी बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं है, जज नहीं कर पा रहा है कि किस लेंथ पर क्या है। रोहित शर्मा को चोट लगा, उन्हें बाहर जाना पड़ा, ऋषभ पंत को चोट लगा, हालांकि उन्होंने पूरा मैच खेला, लेकिन फिर भी अभी खबर ये आ रही है कि चोट उनको लगी हुई है, चोट के साथ खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन ये रिस्क लेने वाली बात है। अब आईसीसी क्यों ये रिस्क लेना चाह रही है इसकी, क्योंकि ये सिर्फ हम ही नहीं, सभी देश बात कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान भी बात कर रहा है, बांग्लादेश की टीमें भी बात कर रही हैं, अदर टीम भी बात कर रही है कि जो पिच का वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं, आप कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हो या फिर कोई सीरीज नहीं हो रही, डोमेस्टिक सीरीज नहीं हो रही है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें खेल रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पिच परफेक्ट होनी चाहिए ताकि मजा करके रहना हो। आप T20 में टेस्ट मैच का मजा दे रहे हो, T20 की जो एक अहमियत है, गेम को भी अमृत देखा जाए तो जो T20 में जो हाई स्कोर और फटाफट जो रन वाला कॉन्सेप्ट है वो नजर ही नहीं आ रहा है। 100-125 अगर रन देखे जाए तो वो इतना मजा कैसे देंगे। सवाल ये भी है कि हवा में गेंद ठीक है तैर जा रही है, लेकिन इससे पहले जब आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि आउटफील्ड जो है वो भी बड़ी स्लो हो जा रही है। पुनीत देखिए, अभी हमने 2 महीने हमने आईपीएल देखा है, 2 महीने हम आईपीएल के रंग में रहे हैं जहां हमने चौके छक्कों की बरसात देखी, छक्के लग रहे हैं लंबे और सड़े नहीं, उसके बाद वर्ल्ड कप एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं यही तो फॉर्मेट 2 महीने हम देख रहे थे। और इस फॉर्मेट को यूएसए में क्या हो गया है, वहां पिच कैसी है, बॉल ट्रैवल नहीं कर रहा है, अगर कोई ग्राउंडेड शॉट आप खेल रहे हो तो बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं मिल रहा, मदद नहीं मिल रही है, और ऐसे में जब मदद नहीं मिलती है तो भैया लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, आप बहुत ज्यादा रन बनेंगे नहीं। तो ये T20 के साथ मैं कहूंगा कि आईसीसी को समझना होगा, यूएसए आप अदर्स कंट्री में करवाने से पहले आप 1-2 साल वहां टूर्नामेंट खेलिए, उनके उनके कंट्रीज को खेलने दीजिए, मौका दीजिए खेलने का, इस तरह आप रिस्क लेंगे। और देखिए, फैंस नाराज हो गए ना तो फिर कोई भी फॉर्मेट अप एंड डाउन हो सकता है। अब 2 महीने आईपीएल के डोज के बाद हमें भी लगा कि ओ माय गॉड, टीम रेडी है, अब तो बहुत मजा आएगा यूएसए में मुकाबला देखने में, ग्राउंड छोटे होंगे लेकिन
छोटे होने के बावजूद भी रन नहीं बन रहे हैं तो पुणे की चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है। अब देखना पड़ेगा कि इस मामले को, गंभीर मामले को आईसीसी कैसे लेता है, क्योंकि बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि अगर जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का रंग ही अगर नजर नहीं आएगा तो रंग फीका हो जाएगा, रंग फीका हो जाएगा। तो जिस बात का अमृत इशारा कर रहे थे कि अगर फीका फीका रहा तो मूड डाइवर्ट भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया अमृत आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।